dear students i'm uh, your english teacher mr Tariq Gamad, and today we are going to read the next few paragraphs of the lesson the surgeon and uh, just so you do come on the page number 92 from the starting line we'll start नाउ आई विल टेल यू ये स्टोरी कहाँ से रुकी कहाँ रुकी थी और हम अब कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं तो जब रॉबर्ट सैंडी डॉक्टर एक ज्वेलर के पास जाता है और उसे बताता है कि जो यह हीरा है इस हीरे का कीमत क्या है तो वो ज्वेलर उसे बता देता है कि इस हीरे का कीमत लगभग वन मिलियन डॉलर है बहुत ज़्यादा कीमत है तो वो बेचारा हक्का पक्का रह गया वो सोच रहा था अब मैं इन पैसों का क्या करूँ और इस सीरे को मैं कहाँ रखूँ तो इससे आगे हम बता पढ़ेंगे इन आउटसाइड इन द हाई इन द हाई रॉबर्ट सैंडी माउंटेड हिज बाइसिकल एंड फॉर हिज फॉर होम तो इस ज्वेलर दुकान के बाहर जब वो आ गया तो वो अपने बाइसिकल पर चढ़ा और सीधा अपने घर की तरफ लपका ही वॉज़ फीलिंग टोटली लाइट हेडेड वो बिल्कुल उसका सर चकरा चकरा रहा था लाइट हेडेड लाइट हेड होता है एक कस्म की डिजीनेस यानी चक्कर आ जाना या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं जब इंसान का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसके ये कैसे होता है जब इंसान कभी सो कर या कभी अचानक खड़ा हो जाता है तो इसके खून का एक ड्रॉप उसके सर में चला जाता है तो उसकी वजह से इंसान में थोड़ा हेड हो जाता है उससे भी लाइट हेड कहते हैं ये किस्म की एक छोटी सी डिजीज भी है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि वो उसका सर चकरा रहा था ही सिंपली कुड नाट वे टू गिव द न्यूज़ टू हिज लवली वाइफ एंड वॉच हर फेस एज ही टोल्ड हर द होल स्टोरी ऑफ हिज ज After आफ्टरनून तो वो सीधा ये कहानी अपनी बीवी को बताना जा रहा बताने जा रहा था और वो उसका चेहरा देखना चाहता था तो तो मेरी बीवी ये ये चीज़ सुनकर वो कैसा महसूस करेगी ही फाउंड हर इन द किचन वो जब घर आया तो उसने पाया कि उसकी बीवी किचन में है पैकिंग सम जार ऑफ होम मेड जैम इंट अ बैस्किट वो एक बैस्किट में घर घर में बना हुआ जार पैक कर रही थी जैम पैक कर रही थी रॉबर्ट शी सैड डिलइट यू आर होम अर्ली तो उसने पहले ही खुश होकर खुश होकर अपने पति को कहा रॉबर्ट आज तुम बहुत जल्दी ही आ गए खैर तो है यू आर नॉट फॉर वे आर गोइंग टू द रैनशाह फॉर द वीकेंड। क्या आप ये नहीं जानते कि हमें वीकेंड पे रैन शाह के घर जाना था रॉबर्ट शी सैड वॉट इज हैपेंड अरे रॉबर्ट मुझे आप, मुझे बताओ क्या हाल है अब तो ठीक तो हो देर इज समथिंग इन द मैटर मुझे लगता है देर इज समथिंग इन पल्स मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पोर अस ड्रंक ही सैड आई अ बीट ऑफ न्यूज फॉर यू उसने बीव को हराए आइए इसमें थोड़ा सी शराब डालिए जैसे कि अक्सर लोग वहाँ के बाहर के लोग पीते हैं चलो इसमें थोड़ा सा शराब डालिए हम पीते हैं हम दोनों के लिए इसमें शराब बनाए

उसने फ्रिज से आइस ट्रे निकाली और वो विस्की और सोडा में बनाने लगी शी सैड आई डू नाट थिंक आई हैव एवर सीन यू क्वाइट लाइक दिस बिफोर उसने अपने पति को कहा रहा और सैड मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले आपको इस तरह से देखा यू हैव राइट यू यू आर ऑल राइट इन द फेस आपका चेहरा पूरा लाल हो चुका है आर यू आर यू श्योर इट गुड न्यूज़ सच बताओ जो आप मुझे बता रहे हैं सच में एक अच्छी न्यूज़ है एक खास न्यूज़ है आई थिंक इट इज ई सैड उसने कहा हाँ हाँ मुझे लगता था, वो है वो ज़बरदस्त न्यूज़ है बट आई विल लेट यू जज दैट फॉर यूर सेल्फ लेकिन मैं आपको बताऊँगा आपको खुद ही जज करना करना होगा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ ही सेट डाउन एट द किचन टेबल एंड बिगे टेलिंग द स्टोरी वो किचन टेबल मैं खाने के लिए बैठा या वो शराब पीने के लिए बैठा तो अपनी बीवी को वो कहानी बताने लगा ही स्टार्ट विद द फ्रेंड्स इन द काउंसलिंग रूम एंड दपन इट आउट लॉन्ग एंड सो वेल दैट इट टेन मिनट बिफोर यू कैम्प टू द डायमंड तो वो कहानी उसने शहजादे से वह कहानी शुरू की जब वो शाह शहज़ादा उसकी कैबिन में पहली बार एक्सीडेंट होके आया ये वो बहुत कहानी बता लंबी कहानी बताने लगा ताकि सो इट मे 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 टू लांगर बाई द अननेसेसरी थिंग्स यानी उससे उधर इधर की बातें बताने लगे यहाँ तक कि वो डायमंड की कहा, असले वाली कहानी पर पहुँच जाए यानी वो अपनी बीवी को उतावला देखना चाहता था तो कि वो उस बीवी ये कहे कि नहीं मुझे बताओ अब फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? इट इज़ इट मस्ट बी ए गुड वू पर मुझे लग रहा है ये कोई इट इज़ समथिंग बिग मुझे लग रहा है कोई बड़ी न्यूज़ है ही सैड टू मेक यू गो और राइड इन द फेस एंड फनी लुकिंग तो ताकि इस इसी वजह से आपका चेहरा लाल हो चुका मुझे लग रहा है कि आप कुछ अजीब से दिख रहे हो हाँ शायद मुझे लग रहा है कोई बड़ी न्यूज़ है ही रीच टू इन फॉक इट एंड लुक हाउट दिटिल ब्लैक फूच एंड इन दबल उसने अपनी जेब में हार डाला और वहाँ से वो ब्लैक पोच निकाला और उससे टेबल पर रख दिया देर इज़ ही सेड वट यू थिंक ये है वो चीज़ आपको क्या लगता है क्या है शी लूज इंड दिल्क खार एंड टिप दिन इन ट्ड उसने वो उसका वो दागा थोड़ा सा खींचा उसने वो थोड़ा वो दागा सिलिका का धागा खींचा जो उस ब्लैक बटवे पे लगा हुआ था एंड पुट द स्टोन इन दिन हैंड उसने वो स्टोन वो यानी वो हीरा ने हाथ में उलट दिया ओह माय गॉड शी क्राइड इट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग अरे मेरे खुदा ये क्या बात है ओह oh माई ये तो ज़बरदस्त चीज़ है, है? जिन्हें बेवाइमेंट एक्साइटमेंट होकर उसने वो बातें बताई आई हैवल्ड यू द होल स्टोरी अपनी बीव को बताया मैंने आपको अभी सारी कहानी नहीं बताई है एंडल हिज वाइफ रोल द डायमंड फ्राम द पाम ऑफ वन हैंड टू दर जबकि उसकी बीवी एक हाथ से दूसरे हाथ में वो डायमंड uh, उलट रही थी फेर रही थी अबाउट हिज विज टू हेरी गोड इन दाई हाय उसने ये भी बताया कि मैं हरी कोड सुनार के पास भी गया था मैं ही कैम टू द पॉइंट दर द जवेलर बिगैन टू टॉक अबाउट द वैल्यू और जब उस बात पर पहुँचने लगा कि जब उसको जवेलर ने बताया कि इसका कीमत क्या है ही स्टॉप एंड सेड सो वट डू यू थिंक इट इज़ वर्थ तो उसने अपनी बीव को वैल्यू बताते हुए वैल्यू नहीं बताई जो उसने जो उस ज्वेलर ने उससे बताया उसने अपनी बीव को बताया अच्छा मुझे बताओ आपको क्या लगता है इसकी कीमत क्या होगा ट्वेंटी थाउजेंड पाउंड मुझे लगता है ट्वेंटी थाउजेंड पाउंडस होगा बीवी बता रही है वुड यू बी इफ इट अ एज मच एज क्या आप और ज़्यादा खुश हो जाओगी हाँ अगर मैं ऐस के बताऊँ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इसका कीमत उससे भी ज़्यादा है ऑफकोर्स आई वो हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों मैं बहुत खुश हो जाऊँगी इट्स नॉट यू वर्थ टेन थाउजेंड पाउंडस ये टेन थाउजेंड पाउंड से भी बहुत ज़्यादा है यस ये सेड एंड द रेस्ट नाउ ट नॉट बी बेस्ड रॉबर्ट जस्ट टेल मी वॉट मिस्टर गोल्ड सेट अब उसकी बेड उतावली हो रही थी वो भी नहीं मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ इसका कीमत क्या है रॉबर्ट मुझे बताओ रॉबर्ट सैंडी मुझे बताओ इसका कीमत क्या है इट इज़र्थ एट लीस्ट हाफ अलियन एंडली मिलियन कहा ये जो हीरा है इसमें हाफ मिलियन डॉलर्स नहीं है बल्कि कम से कम एक मिलियन के बराबर इसका कीमत है यू आर जोकिंग हर वर्ड्स केम आउट इन कैसअप तो मह मुझे मज़ाक कर रहे हो तो so, उसका मुंह खुलता ही खुलता ही रह, खुलता ही रह, रहा खुलता ही रह गया किस वो अपने पति के पास चली गई उससे गले लगाए और उससे चुमा भी द मोस्ट वंडरफुल एंड स्टूबेंडस मैन एन द वर्ल्ड आप तो दुनिया में सबसे अजीब और सबसे सबसे इम्प्रेस फैंटास्टिक स्टूबेंट मैन हो गया फैंटास्टिक इस दुनिया में है शी क्राइड प्राइट आइज एज टू स्टार्स वो चिल्लाने लगी और यहाँ की वो अपने पति को यानी चमकती हुई आँखों से देखने लगी टू यू रिलीज वॉट दिस मीन्स आपको पता है अब इस, इसका मतलब क्या है इट मीन्स वी कैन गेट डाइना एंड आर हजबेंड आउट ऑफ दैट हॉय आई फ्लैट एंड बाई दिम ए स्माल हाउस आपको पता है इसका मतलब क्या इसका मतलब यह है कि हम डायना के लिए एक छोटा सा उस पुराने फ्लैट से निकालेंगे और उनके लिए खूबसूरत सा छोटा सा घर लेंगे हो सकता है डायना उनकी बेटी होगी या कुछ रिश्तेदार होगी तो उनके लिए वो फिक्र है क्योंकि औरत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो जब वो उसके पास पैसे आते हैं तो वो क्या क्या सोचने लगते हैं सो थैंक यू वेरी मच डेयर स्टूडेंट्स इन शहरा टमारो इससे आगे पर पढ़ेंगे थैंक यू स्टे सेफ़